और अभी आपको बताएं कि शहर एकाद में कोरोना वायरस की वबा तश्वीशनाक हद तक फैल गई है। अस्पताल मरीजों से भरने लगे हैं। इंडस अस्पताल ने जगह भर जाने के सबब मरीजों को दाखिल करने से इनकार कर दिया है। कराची में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों के लिए कायम वार्ड्स में जगह खत्म हो गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से निजी अस्पताल इंडस के साथ मिलकर कोरोना मरीजों को तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए काम किया जा रहा था। जुमे की रात इंडस अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल के बाहर बोर्ड आवेजा कर दिया है कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कायम वार्ड्स मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, लिहाजा अब कोरोना के मरीजों को अस्पताल में दाखिल नहीं किया जाएगा। इंडस अस्पताल को सिंध हुकूमत की जानिब से किट्स भी फराहम की गई थी और सिंध हुकूमत के साथ मुश्तरका तौर पर कोरोना मरीजों को तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही थी। अब जो मरीज अस्पताल में दाखिल हैं उन्हें तिब्बी सहूलियत फराहम की जाएगी, लेकिन नए मरीजों के लिए जगह नहीं है। एक बड़े निजी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने एक पैगाम में कहा है कि कराची में कोरोना वायरस इंतहाई तश्वीशनाक हद तक फैल चुका है। मरीजों को कोई अस्पताल दाखिल करने को तैयार नहीं है। मरीजों को कहां भेजा जाए, सूरत हाल बहुत खराब हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़राए के मुताबिक कराची के अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के मरीजों को एक से दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है, लेकिन अस्पतालों में कोरोना मरीजों को दाखिल ना करने की इत्तला मौसूल हो रही है और उनके टेस्ट भी नहीं किए जा रहे।